लीजिए आज फिर लेके आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, ये डिटेल्ड वीडियो है तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। ये आज लेके आए हैं मशीन है कोराड की, ये डीसी पावर सप्लाई है कोराड का। इसका मॉडल है KA3005D। ये पहले आया करती थी, अब ये नई आने लगी है KA3005DS। ये दोनों डीसी पावर सप्लाई काफी अच्छी मानी जाती है और कोराड सबसे ज्यादा आई गेस यहाँ पे जितने भी मैकेनिक हैं सब यही पसंद करते हैं और यही चलाते हैं। इसमें मेनली फंक्शंस जो है पुरानी वाली में नई वाली में लगभग सिमिलर है, पर इसमें कुछ अपग्रेडेड है, कुछ नई चीजें जो है इसमें ऐड कर दी गई है कंपनी के द्वारा, अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। चलो पहले आप इसी से स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी कोराड का मॉडल अपना ओल्ड वाला 3005D। अब इसमें क्या है, इसमें आपको मेनली दो स्क्रीन मिलती है। एक स्क्रीन मिलेगी आपको वोल्टेज के लिए, एक स्क्रीन मिलेगी आपको एम्पेयर के लिए। ये नॉर्मली आप वोल्टेज यहाँ से आप घटा बढ़ा के सेट कर सकते हैं बटन से एंड आपके कंट्रोलर से। आफ्टर दैट आप इससे स्विचेस से भी चेंज कर सकते हैं एंड ये करंट के लिए दोबारा आप प्रेस करेंगे तो यहां से आप करंट भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें स्क्रीन में आपकी मेमोरी मिलेंगी आपको 5 अलग अलग मेमोरीज आप सेट कर सकते हैं। एज लाइक जैसे मेमोरी 1 पे 4.8 सेट है वोल्टेज, मेमोरी 2 पे 1.8 सेट है, मेमोरी 3 पे 8.1 सेट है, मेमोरी 4 पे 6 वोल्टेज सेट है। अब इसमें मेमोरी 5 भी है बट उसका बटन नहीं होता है, वो बटन के लिए आपको जस्ट मेमोरी 4 का बटन दबाना है एंड आफ्टर दैट इसको घुमा दीजिएगा तो ये मेमोरी 5 पे भी आ जाएगा। तो आप ये 5 अलग अलग मेमोरीज आप सेट कर सकते हैं। ये ओल्ड वाली कोराड है, अच्छी है। इसमें आपको दो प्लस की माइनस की मिलेगी, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा भी ग्राउंड की रहती है अगर कोई हाई वोल्टेज पे काम करता है। ये जो रहेगी 30 वोल्ट्स और 5 एम्पियर का आउटपुट होती है। इसको आप एज अ शॉर्ट किलर भी यूज कर सकते हो, एज अ वोल्टेज सेट को ऑन करने के लिए भी देख सकते हो, बूटिंग के लिए भी देख सकते हो। तो ये था आपका पुरानी वाली कोराड अपनी। अब नई वाली कोराड पे मूव करते हैं थोड़ा सा। तो ये है अपनी नई वाली कोराड KA3005DS डिजिटल कंट्रोलर डीसी पावर सप्लाई। सेम इसी की तरह ही इसमें भी 30 वोल्ट 5 एम्पियर का इसमें भी जो है आउटपुट रहेगा। इसको भी आप एज अ शॉर्ट किलर यूज कर सकते हो। सारे बटन यही है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी मेमोरी जो है 5 ही है सेम, पर इसका जो है मेमोरी पे अलग अलग प्रॉपरली एक डिस्प्ले बड़ी है और उसके बाद मेमोरी 5-4 के बाद आप रोटेट करके कंट्रोलर को मेमोरी 5 पे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें जो है एक OCP का बटन रहता है जिसे बोलते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन, एक OVP रहता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। दिस इज फॉर वोल्टेज, दिस इज फॉर करंट प्रोटेक्शन। ये आपको नॉर्मली जो है आउटपुट का ऑफ एंड ऑफ का है, ऑफ एंड ऑन का है कंप्लीटली। आप कोई भी वोल्टेज सेट करके आप इसी से आप मशीन को ऑन करके यूज कर सकते हैं। जब आप ऑन करेंगे वोल्टेज की एक स्क्रीन इसमें ऐड कर दी गई है कंपनी के द्वारा। तो ये जो मशीन का नया एक फीचर दिया हुआ है इसमें आप वोल्टेज भी देख सकते हैं किसी भी, और जितनी भी DCs आ रही हैं नई वाली उसमें ये फीचर बहुत ही कम में DC में देखा है मैंने। एक या दो ही ऐसा ब्रांड है जो आप वोल्टेज भी देख सकते हो। तो वोल्टेज वाला इसमें एक ऐड कर दिया गया है। कई मैकेनिक जो है भाई लोग अपना एम्पियर देख के ही आइडिया लगा लेते हैं सेट में फॉल्ट क्या है। एज लाइक मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कोई भी सेट में अगर 70, 75, 80 पे या 100 के आसपास रीडिंग स्टक हो जाती है तो आदमी सोचता है हाँ ये EMMC का फॉल्ट है या ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड साइड इश्यू है। तो ऐसे ही कई सारे मेरे भाई लोग जो हैं वोल्टेज देख के भी काम करते हैं। तो ये स्क्रीन एडिशनल उनके लिए बहुत अच्छा एक फीचर दे दिया है कोराड ने। प्राइजेस बहुत अच्छे हैं, बहुत जेन्युइन, बहुत चीप है, कोई ऐसा हाई प्राइस नहीं है और यूज के लिए मैकेनिकों के लिए बहुत अच्छी चीज है। और मुझे इसके अंदर जो मेन खासियत लगती है वो लगती है इसके अंदर इसका लगा हुआ ट्रांसफार्मर। इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज किया है कंपनी ने कोराड ने वो प्योर कॉपर से बाइंड करा हुआ है। कभी ये खराब नहीं होती है मशीन, मैंने तो इसको आज तक कभी खराब होते हुए देखा नहीं है। और अगर कभी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो तो कह नहीं सकता, ये स्टार्टिंग में ही अगर आता है। बाकी ये मशीन काफी हैवी क्वालिटी की होती है, इसका वजन वेट भी काफी अच्छा खासा होता है और ये अच्छी मशीन है। आप आइए शॉप पे परचेज करिए, प्राइस काफी अच्छा है इसका, काफी कम प्राइस में हम आपको दे देंगे ये मशीन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो देखिए लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। काफी भाई लोग जो वीडियो देख भी रहे हैं पसंद भी कर रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं तो हमें कैसे पता पड़ेगा आपको हमारा जो कंटेंट है वो कैसा लग रहा है। अगर आपको नॉलेजेबल वीडियो लग रही है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और शॉप पर आइए। थैंक यू वेरी मच।